जनपद टावा के कस्बा जसवंत नगर क्षेत्र की रहने वाली रूबी दीपेंद्र ने पति की गरीबी को दूर करने के लिए YouTube का सहारा लिया और घर से ही वीडियो बनाकर अपलोड कर एक साल में मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाकर YouTube से पहले तो सिल्वर और बाद में गोल्ड बटन पाकर क्षेत्रीय नई जिले में धमाल मचा दिया। आइए उनसे इस कामयाबी का राज जानते हैं। मैं मेक्सी वर्मा TTN24 समय का सच चैनल के लिए वनकटी जो गाँव है वो ब्लॉक जसवंत नगर जिला टावा में पड़ता है। यहाँ पर रूबी दीपेंद्र जी हैं जिन्होंने एक यूट्यूबर हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में, इनका भगवान का गॉड गिफ्ट है जो इन्होंने इतने कम समय में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर दिए हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहेंगे कि ये मुकाम आपने कैसे हासिल किया, आपको यहाँ तक आप पहुँचने में किसका सहयोग रहा, कितनी बाधाएं आईं। तो उनसे मिलते हैं रूबी दीपेंद्र सिंह से। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम रूबी है, मैं और ये मेरे पति हैं और मैं बनकटी जसवंत नगर इटावा जिला है हमारा, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और एक यूट्यूबर हूँ मैं और वीडियो बनाती हूँ मैं। आप एक यूट्यूबर हैं और आपने बहुत ही कम समय में 1 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं, क्या हमें ये बताएं कि आपने शुरुआती दौर में किस तरह से इस संघर्ष को झेला है और क्या ख्याल आया कि आप ये रास्ता चुनाएं? मेरी शादी हुई थी तब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, गरीबी की हालत में, और ये मजदूरी भी करने जाते थे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, तो मुझे पता नहीं कैसा लगता था, तो सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो एक मैं शिवानी का वीडियो देखती थी, जब वो लड़की इतना कर सकती है, उनका वीडियो वायरल हुआ, उसकी वीडियो मैं रोज़ देखती थी, उसका वीडियो वायरल हुआ तो मैंने देखा कि जब वो लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करके मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, तो मतलब धीरे धीरे करके मेरा वीडियो वायरल हुआ तो मतलब थोड़ा उत्साह हुई, मतलब अच्छा लगा मेरा वीडियो चल रहा है, मतलब व्यूज अच्छे आए, तो मैंने देखा तो मैं ऐसे ही लगे रहे ना, 1 मिलियन कम्प्लीट हो गए। जिस तरह से आपने वीडियो बनाए हैं, आपके परिवार में किसी तरह से कोई बाधाएं आई जो आपको उत्साहवर्धन किया या किसी तरह की अपेक्षाएं की गई? हाँ, बहुत लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला, इनको बोला ऐसी है वो ऐसी है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, लेकिन मैंने सारी बातों को इग्नोर करते हुए मैं लगे रहे, अपने काम में लगे रहे। हमने चलो कोई बात नहीं, दुनिया है, कुछ भी बोलेगी, क्या करना है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हाँ, तो बच्चों की खातिर मैंने ये सब कदम उठाया, मैंने वीडियो का तो बच्चों पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने ये सब किया है, लेकिन मुझे सफलता मिली है इसमें। क्या इस सफलता के पीछे के या यूं कहें कि आपके सास ससुर का या परिजनों का किस तरह का सपोर्ट रहा, किस तरह से अपेक्षा की या उत्साहवर्धन किया गया? अरे वो उन्होंने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया है, आज दिन तक नहीं, वो बोलते भी नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, अभी तक नहीं बना, मतलब बोले ही नहीं शुरू से। आप सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाले, यहाँ तक पहुँचाने वाले किसका श्रेय जाता है? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे पति ने और मेरे भाई ने किया है, इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मुझे हिम्मत बनी रही, तो हिम्मत बनी रही है तो मेरा अच्छा लगा कि हाँ मुझे दो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी का क्या है, बाकी लोग तो नहीं करते हैं, जब अपना मतलब अपना चूल्हा भरेगा तभी खाना मिलेगा, तो हम लोग ऐसे ही लगे रहे। मैं बोल, जब आपके मिलियंस वो आ गए हैं, व्यूअर्स आ गए हैं, तो सब्सक्राइबर आ गए हैं, तो जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, आज उनका बिहेव आपके प्रति कैसा है?
वो अब वो लोग कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी हो जो देखो कुछ कर दिखाया। इतनी गरीबी हालत में उसने हार नहीं मानते हुए उसने मतलब काम करते रही, तो आज मुझे ये पहले तो जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तब मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला है, और फिर मैं लगे रहे, फिर 1 मिलियन हो गए तो ये वाला मुझे मिला है अवार्ड, तो सभी लोगों को इतना खुशी हुआ कि हाँ मेरी बहू कुछ कर दिखाई है। हम जानना चाहते हैं आज के युवाओं के लिए जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं या आप जैसे लोग हैं, क्या उनको सब क्या कहेंगे, उनको संदेश देना चाहेंगे उनको लिए क्या कहेंगे, जो आज संघर्ष का रास्ता यूट्यूबर अपनाए हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, दो शब्द उनके लिए भी बोले। उन लोगों के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि देखो जैसे हम लगे रहे हैं गरीबी हालत में भी लगे रहे, इतना सारा काम करके भी लगे रहे, खेत में भी किया घर में भी किया सारा कुछ करने के बाद फिर भी लगे रहे हैं, तो ऐसे वे लोग भी लगे रहे हैं तो एक ना दिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है, कभी हार नहीं होती है, मतलब मतलब काम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप अपने सब्सक्राइबरों को व्यूअर्सों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? सब्सक्राइबर से यही बोलना चाहूंगी कि देखो जैसे मैं मुझे प्यार इतना दिया है ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तो मैं आगे वीडियो अच्छे अच्छे मतलब लाने की कोशिश करूंगी, और उनसे यही कहना है मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अब मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ।